लोग आ गए? दो आ चुके हैं, दो आने बाकी है। और वो तैयार है? वो भी तैयार है। ठीक है, तुम खाना परोसने की तैयारी करो। अरे कहाँ लगी थी तुम? कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा? सॉरी भाभी, मेरी वजह से देर हो गई। मैंने कब से बोल रही हूँ, पता नहीं कितने अजीब से गेस्ट हाउस में ले आए हैं। कितनी अजीब सी जगह नहीं है ये? तुम भी नहीं यार, अब आ गई हो तो चुपचाप बैठकर खाना खा लो ना। यार मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ यार, हमें भी बहुत भूख लगी है। आप दोनों का ही वेट हो रहा था। सॉरी, पर यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, खाना कौन सर्व करेगा? खाना तैयार है, ले आओ। चलो फाइनली खाना तो आ गया। हाँ यार, बहुत भूख लगी थी, सीरियसली बहुत भूख लगी है यार। थैंक यू। अरे वाह, खाना तो अच्छा लग रहा है दिखने में। छुट्टी लाओ, बोल लाओ। बहुत तेज भूख लगी मुझे। लो पहले आप लो। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, थोड़ा डाल दो इसमें। लो। बहुत टेस्टी गाना यार, मजा आ गया सीरियसली। आप लोग अच्छे से खाना खाइए। जाओ, उसे जाकर कहो कि हम तैयार हैं और वक्त आ गया है।
विनीशा, आकाशी ने कहा है कि सब तैयार है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब काम शुरू किया जाए। जाओ और जाकर रायन को बुलाओ। सारी उम्र सूखी रोटी सब्जी ही खिलाना, पता नहीं वो दिन कब आएंगे जब हमारे पास भी खूब सारे पैसे होंगे और हमारी जिंदगी भी ऐशो आराम से बीतेगी। जब देखो रेडियो ही सुनते रहते हैं और काम धंधा तो कुछ करते ही नहीं। अरे और कुछ नहीं होता तो अपना वो पुराना पड़ा हुआ रेस्टोरेंट ही बेच डालो, चार पैसे तो घर में आ जाएंगे। नहीं तो कुछ दिनों में ऐसी नौबत आ जाएगी कि हम दोनों को पूना में तुम्हारे भतीजे अरुण के यहाँ खैरात की रोटियां तोड़नी पड़ जाएंगी। बैठे रहते हैं बस। अरे मैं तुमसे कह रही हूं, ना मेरी आवाज सुनाई देती है और ना ही दरवाजा खटखटाने की। पता नहीं अब कौन आया है। जी कहिए। मेरा नाम रायन है, मैं बड़ी दूर से आया हूं। मेरे पास आपके और आपके हस्बैंड के लिए एक ऑफर है। तो ये कोई बड़ा आदमी पता नहीं क्या ऑफर लाया है। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। मैं यहां अपने एम्प्लॉयर यानी कि मालिक मिस विनीशा और मिस आकाशी की ओर से आपका एसजे नगर में बंद पड़ा रेस्टोरेंट खरीदने आया हूं। पेमेंट कैश होगा। कितने हैं? 50 लाख। 50 लाख हमें मंजूर है। हाँ हाँ हमें भी मंजूर है, आज से वो रेस्टोरेंट आपका। और ये 50 लाख आपके। 50 लाख। ये भी लीजिए। ये क्या है? जब मन करे इसे खा लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। काम हो गया। चाचा जी मैं यहाँ देख के अचानक बहुत ही खुश हूँ। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज।
चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, कहाँ चले गए यार सबके सब? चाचा जी, 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 चाची जी, क्या कर रहे हो? चाचा जी ठीक तो है? चाचा जी, चाचा जी आप क्या कर रहे हो? ये रेस्टोरेंट देखो कितना पुराना है, पूरा खंडर लग रहा है यार। सही कह रहा है यार, मुझे नहीं लगता अब ये कभी खुलेगा। पर गाइस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जल्दी ही ओपन होगा। काम पर लग जाओ जल्दी। ये देखो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे और यहाँ काम भी स्टार्ट हो गया। चलो अभिमन्यु, ऐसा लग रहा है ये वीरान रेस्टोरेंट वापस से खुल रहा है। हाँ देखकर तो ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं कौन बेचारा लेकर फंस गया। तुम रुको मैं देखकर आता हूं। हाय आई एम अभिमन्यु, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूं। ये जगह आपने ली है? आप यहाँ कुछ नया खोलना चाहते हैं? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बड़ा अजीब इंसान है। चलो
रुक 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 रुक, मैंने कहा था ना ये जगह जल्दी ही खुलेगी, खुल गई। आज तो पार्टी मस्त होने वाली है। या अरे वो तो ठीक है, मगर उधर देखो ये जगह तो रेनोवेट हो रही है। लगता तो ऐसे ही है, यहाँ जरूर आएंगे। या हम मंजिल के बहुत करीब हैं। डेविस किचन यार, नाम ऐसे तो खाना कैसे होगा? या इट साउंड्स फनी बट इंटरेस्टिंग नाम है। चलो टीना को लेने चलते हैं। हाँ अच्छे से काटो, वहां भी ठीक से, और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे भूषण, ये क्या हो रहा है? अरे कैसा दिहाड़ी का काम है, इतनी रात में हम फसल काट रहे हैं। अरे क्या चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वही तो, ये तो ससुराल, ना तो ये मौसम फसल काटने का है और ना ही ये फसल लगाने का। वही तो हम कह रहे हैं। सही कह रहे हो भैया। अरे तो हमें अपने काम से मतलब। अरे ये क्या लगता है कि मूली इसके अंदर फंस गई है। क्या हुआ? बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। रुका रुका, हाँ ये क्या है? रुका रुका देखता है। रुका रुका रुका, निकल खींचा। अरे ये क्या क्या हुआ? खून, डर गए? इंसान का ही तो खून है और ये भी तो खाने की ही चीज है। जमीन में खून देखकर डर गया था, अब तुझे भी उसी जमीन में गाड़ देना चाहिए। जल्दी काम पे लग जा। अरे टीना, वो देखो रेस्टोरेंट का नाम क्या लिखा है? डेविल्स किचन। सीरियसली? <Seriously? laughs>
यार मुझे तो अचानक से बहुत भूख लगने लगी है और लगता है वहाँ कुछ खाने का सामान है, मैं चुपके से जाके उठा लेती हूँ। टीना तुम पागल हो गए हो क्या? बात तो सुनो। अरे टीना रुक यार, ये मरवा के रहेगी आज। कभी सुनती ही नहीं ये बात। भूख लगी है? हाँ, पर आप? विनीशा, इस रेस्टोरेंट की मालकिन, ले जाओ। अच्छे से खाओ। ओके, थैंक यू। गाइस, पहले तो उस रेस्टोरेंट की ओनर विनीशा ने मुझे डरा ही दिया और फिर ये खाने का पार्सल दे दिया। गुड ना? व्हाट, सीरियसली? या ओ बुकड़, किसी से भी कुछ भी ले लेती है। हाँ, क्या खाएगी तो वहाँ पार्टी में? क्या खाएगी? यू नो व्हाट गाइस, पार्टी में ना बहुत ही अच्छा बॉनफायर है। इनफैक्ट देयर इज अ टेस्टी फूड आउट देयर। यार आई एम सो एक्साइटेड, बॉनफायर, वो भी शहर के बाहर, बहुत मजा आएगा यार। या मिस्टर, तुम्हारी एक्साइटमेंट है ना यही रह जाएगी अगर ऐसे ही ड्राइव करोगे तो। थोड़ा जल्दी चलाओ यार, मुझे नींद आ रही है। माया तू भी ना कमाल करती है। यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खा रही हूँ। खा खा, तू तो खा। टीना क्या हो गया है तुझे, कैसे खा रही है? ठीक से तो खा। टीना सो रही है। मुझे भूख लगी है और भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। साक्षी, मेरी मम्मी का घर से फोन आया था, इसलिए मैं उनसे मिलने होम टाउन जा रही हूँ। सोचा बता दूँ। बाय। अभिमन्यु, अभिमन्यु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। उठ गई आप? ये लीजिए मैडम, आपकी मॉर्निंग टी। अरे इतनी जल्दी? यस। थैंक यू। पर ये क्या, तुम रात को काम करते करते सो गई? बस तुम्हारा ही काम कर रही थी। मेरा काम?
पता नहीं जब से तुमने यहाँ के खेत हटवा के यहाँ नई कॉलोनी बनवाई है तब से रोज नए केस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई कंप्लेन आती रहती है, बस उसी काम में लगी थी। अच्छा एक बात बताओ, जिन लोगों को पैसे देके तुमने ये खेत खाली करवाए थे उन लोगों का क्या हुआ? वो अखबार वाला होगा, मैं देखता हूं। डेविल्स किचन, ये तो वही जगह है जहां वो अजीब सा आदमी रेनोवेशन कर रहा था। ये देखो हमारी कॉलोनी में नया रेस्टोरेंट खुला है, डेविल्स किचन। नया है, ट्राई करते हैं। आज हम यही खाना खाने जाएंगे, तुम रेडी हो जाओ। ओके सब तैयार है? सबका स्वागत है यहाँ पर। मेन्यू कार्ड मिलेगा यहाँ पर? मेन्यू कार्ड प्लीज, बहुत भूख लगी है। यहाँ पर कोई मेन्यू कार्ड नहीं मिलेगा, यहाँ बस एक तरह का खाना बनाया जाता है, जो है वो मिलेगा। खाना परोस। वाह शानदार। साक्षी बहुत अच्छा है, खाओ। ये सब लोग ऐसे क्यों खा रहे हैं? मुझे नहीं खाना यहाँ। अभिमन्यु चलो यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, तुम भी खाओ। अभिमन्यु चलो, बैठो ना, तुम भी बैठो, खाओ खाओ। What's wrong with you? पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें खाना पड़ेगा, चलो बैठो खाओ। मुझे नहीं खाना यहाँ, I'm leaving। तुम भी खाओ। तुम्हें खाना पड़ेगा, खाओ। तुम भी खाओ। खाओ। अब हमें कोई नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है, और ये रेस्टोरेंट इतना खाली कैसे?
लगता है चाचा जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका कनेक्शन इस रेस्टोरेंट से है। चाचा जी ठीक तो है? चाचा जी, चाचा जी आप क्या कर रहे हो? ये लो, लो, खा, खा। क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस इस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलना है। खाना खाना है? नहीं, बस इस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलना चाहता था। खाना नहीं खाना है तो जाओ, कल सुबह आना। ओके, तो कल आके मिलता हूँ। अभिमन्यु कहाँ चला गया है? कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, ना फोन किया है ना उठाया है। कहीं घर पे तो नहीं आ गया? आवाज़ें कैसी? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। चला भाई देखते कपड़ा दो। आला दो, भूख लगे। साक्षी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुछ कपड़ा देना। आ, 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 आ,
आप लोग निकलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे हो यार? मेरे भाई को कुछ हो गया यार, और मेरे फ्रेंड को भी कुछ हो गया है। ये सब चल क्या रहा है? ये हमारी कॉलोनी में हो क्या रहा है? ये सब इस रेस्टोरेंट की वजह से हो रहा है। हाँ, तभी अभिमन्यु ने भी इसी रेस्टोरेंट का खाना खाया था। कहीं मुंह में दो। इस रेस्टोरेंट की मालकिन का नाम है वनीषा। शायद वो ऐसा खाना बना रही है जिसके खाने से सबको कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन करें क्या? रोकने का कोई तो तरीका होगा। क्या करें? आओ सब, आओ मेरे साथ आओ। लगता है ये लोग कहीं जा रहे हैं। कर तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ। सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सारे के सारे हमारा बदला पूरा हो रहा है। हमें हमारी जमीन से निकाल कर बड़े बड़े बंगले बनाए और इसी जमीन में हमारे अपनों को गाड़ दिया। उनसे अब हमारा बदला पूरा हो रहा है। अब इसी जमीन पर पैदा हुआ खाना खाकर ये सब लोग मर रहे हैं और इनके अपने भी मर रहे हैं। जिस जिसने उस जमीन पर बड़े बंगले बनाए हैं वो सब हमारे दुश्मन हैं। उन सब से बदला लेंगे, सबको मार देंगे, सबको। यहाँ कोई इंसान है हमारे आसपास? हाँ, कोई है। आत्माओं से कोई नहीं, हम मर चुके हैं। लेकिन इस जमीन पर खेती ने हमें जिंदा। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम यहाँ बदला लेने आए और तुम्हें भी यही इस जमीन में गाड़ दे। मेरे साथ आओ। Ah!
भागो। थैंक यू अरुण, अब सब ठीक हो जाएगा ना? मेरा अभिमन्यु भी और बाकी सब भी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।